वक्त और अपोजिशन के बैकडोर मुजाकरात में गारंटी पर डेडलॉक। पीटीआई और पीडीएम के दरमियान होने वाली सियासी जंग क्या सूरत इख्तियार करेगी? बैकडोर मुजाकरात की खबरें, लेकिन इसमें भी डेडलॉक बरकरार। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत और अपोजिशन के बैकडोर मुजाकरात में गारंटी पर डेडलॉक बरकरार है। जराए ने बताया कि मुश्तरका दोस्तों के जरिए बातचीत पर दोनों अतराफ में एतमाद का भी फुकदान है। जराए के मुताबिक नून लीग गारंटी चाहती है कि जो बात तय होगी इमरान खान तस्लीम भी करेंगे, जबकि पीपल्स पार्टी भी डेडलॉक को खत्म करने में किरदार अदा करेगी। जराए का ये भी कहना है कि दोनों जानिब गारंटी के बाद बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू होंगे। वाज़े रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने हुकूमत को मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश की थी। असद कैसर का कहना था कि हुकूमत के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त है पहले असेंबली तहलील करें। हम दोबारा इक्तदार में आएंगे तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए काम करेंगे। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो कुआन पाकिस्तानी, मुखे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। दुखियारी माँ की आवाम से दुआओं की अपील। जुल्म की एक और दास्तान, समी इब्राहिम और सिद्दीक जान का आकाश राम की बाजियाबी के लिए इंटरनेशनल मीडिया के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान। आखिर कब तक खुला रहेगा ये महाज? बोल रखेगा तमाम हकायक आवाम के सामने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।